प्रति उत्साहित हूँ मैं और उनका मैं अपने तहे दिल से आभारी हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हो गया आप लोग का? जी हाँ, हमारा हो गया है। क्या हुआ? इस शिविर में ये दिव्यांगजनों के लिए जितने भी फैसिलिटी आई है भारत सरकार की तरफ से, वो बहरापन, आर्थिक, ये ओएच, वीएच, एचएच, ये इन लोगों के लिए जो यहाँ आर्थिक रूप से ये मदद के लिए यहाँ जो कैंप लगा है, इसमें बहुत से लोगों को ये सुविधा दी जा रही है और मुझे मिला है और लोगों को भी मिल रहा है। काफी भीड़ है, सारे लोग उत्साह है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हैदर अली है। मित्रों को बोल दो जो छूट गए वो आकर के आज यहाँ करा ले या कल लोखा करा ले या 8 तारीख को डेहरी करा ले, ठीक है? कोई छूटने नहीं चाहिए, ठीक है? कुलता पटेल, कुलता पटेल जाएगा वो गेट पर आ जाएगा, नाम इसी से पुकारिए भाई, जिसका जिसका नाम पुकारा जाएगा वो लोग आइएगा, ठीक है? अभी आप लोग आराम कीजिए, सबका बुला लो, सबको बुला लो, सबको मिलेगा 2,000, 3,000, 4,000 क्या सबको मिला। नहीं नहीं यहाँ हमारे पास कमी नहीं है, सबको नहीं, तुम्हारा भाभी होता है अभी क्या हम लोग का नाम लगा दिया, साइकिल नया आएगा सब बात आज परीक्षण हो जाएगा, ध्यान दीजिए मिलेगा जो तुमको चाहिए मिलेगा, अपने और दोस्तों को बुला लो जो जो है ना, सबको बुलवा लो अभी फोन करके, वो भी बनवा देंगे बन जाएगा। अरे अंदर ही बनेगा, क्यों चिंता कर रहा है तुम, और क्या लिखा है? दिखा रहा है ना, नंबर भिजवाएंगे तुमको, हो गया अब जाके लिख रहा तू से। सरकार की योजना है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रोहतास जिला को का चयन किया गया है, और रोहतास जिला के चयन में करने के साथ ही ये सबको मैसेज कर दिया गया है कि रोहतास जिला में जितने भी दिव्यांगजन हैं, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए योजना है, इनका परीक्षण कराया जा रहा है, आज सासाराम में, कल नोखा में, परसों विक्रमगंज में और 8 तारीख को डेहरी में। परीक्षण के बाद इनको एक स्लिप दिया जा रहा है, अब उसके अनुसार इनका पूरा कृत्रिम जो ऑपरेटर्स है वो बनेगा, और बनने के बाद 15 दिन बाद इनको फोन करके इनको बुलाया जाएगा, इनको डेट दिया जाएगा और एक ही जगह इसका वितरण होगा सासाराम में। और इसकी खूबी ये है कि मंत्री जी का कहना है कि अगर 1,000 से ज़्यादा दिव्यांग आ जाते हैं जिले में तो केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत जी खुद आकर के इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसलिए ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। देश में अभी 4 जिलों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें बिहार के रोहतास जिलों का सिलेक्शन भी हुआ है, एक मेघालय में है, एक आसाम में है, एक उड़ीसा में है। तो ये बार बार जो दिव्यांगजनों के लिए छोटे मोटे कैंप लगते हैं, एक बार में इसका निवारण हो जाएगा और इसमें कोई लिमिट नहीं है। केंद्र सरकार का मानना है, मोदी जी का कहना है कि जितने भी दिव्यांग हैं, जितने परीक्षण कराएं, कान का जिसको ऑपरेटर चाहिए, जिसका दांत टूट गया हो, जिसका आंख का चश्मा चाहिए, ट्राईसाइकिल चाहिए, जितने तरह की छड़ी चाहिए, जिसको दिखता नहीं हो, ये सारे ऑपरेटर्स इसमें दिए जाएंगे। और कानपुर से टीम आई है, सबका परीक्षण हो रहा है और मैं मानता हूं कि आज परीक्षण बड़ा ही उत्साहजनक है।